नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर प्रयागराज कर्चना से। कर्चना तहसील क्षेत्र के खनन माफियाओं के द्वारा एक पत्रकार को बंधक बनाकर निर्ममता पूर्वक पिटाई करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सुबह घर से खबर कवरेज करने निकले पत्रकार को दबंग खनन माफियाओं के द्वारा रोककर जमकर पिटाई करने का मामला प्रकाश में आया है। कर्चना तहसील क्षेत्र के उमरी तालुका पूर्वा घुरपुर थाना क्षेत्र के निवासी देवकृष्ण द्विवेदी पत्रकार पुत्र स्वर्गीय विजय नारायण द्विवेदी कल सुबह 9 बजे के आसपास घर से ईंट खरीदने का पैसा 70,000 रुपए लेकर प्रधान से उमरी तालुका पूर्वा से मिलने की बात कहते हुए वह घर से निकले थे, जो कि पैसे साथ में रखने की बात उनकी पत्नी ने बताई। साथ ही उन्होंने बताया कि मैं प्रधान से मिलने के बाद उधर से ही बरदहा ईंट भट्टे पर पैसा जमा कर दूंगा, जिसमें पीड़ित पत्रकार ने आप बीती बताते हुए बताया कि वह जैसे ही सेमरी तालुका पूर्वा गांव के समीप पहुंचे ही थे कि रास्ते में संजू पांडे पुत्र कंगारू पांडे, ओम पांडे उर्फ गोलू पुत्र उमेश पांडे, उमेश पांडे पुत्र देवी प्रसाद पांडे, उक्त तीनों दबंगों द्वारा जबरन रोककर बदसलूकी के साथ घसीटते हुए घर में बांधकर हॉकी लाठी तथा लात घूसों से जमकर पिटाई की और उसके गले में सोने की चैन तथा जेब में रखे 70,000 रुपए भी छीन लिए। जहां मारने पीटने की आवाज गांव के पड़ोसियों द्वारा सुनने व देखने पर पत्रकार देवकृष्ण द्विवेदी के घर वालों को सूचना दी गई, जिसके संबंध में घर के लोगों द्वारा उनके संपादक और अन्य पत्रकारों को घटना के बारे में बताया। तब तक देवकृष्ण द्विवेदी पत्रकार ने अपने को किसी तरह बंधन से मुक्त कर वहां से निकले। वहां से छूटने के बाद सीधे घर पहुंचे और अपने साथ जो भी घटना हुई वह सब अपने संपादक तथा पत्रकार साथियों से आप बीती को फोन पर बताया और कर्चना थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा। देवकृष्ण द्विवेदी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके साथ मारपीट बच्छिनैती की घटना से पत्रकारों ने कर्चना थाने का घेराव करते हुए कर्चना थाना प्रभारी टीकाराम वर्मा से शिकायत पत्र के माध्यम से पूरी कहानी को बताया गया। पत्रकार को बंधक बनाकर मारपीट तथा लूटपाट सुनने की घटना से हैरान होकर थाना प्रभारी कर्चना अपने हमराहियों के साथ सेमरी तालुका पूर्वा गांव में जाकर ग्रामीणों से पूछताछ करने के बाद वह थाने में पहुंचे और जहां पहुंचने के बाद उन्हें उनके द्वारा पत्रकार के ऊपर तहरीर बदलवाने का दबाव बनाते हुए तहरीर बदलवाने लगे, जिस पर पत्रकार द्वारा संतोष व्यक्त किया गया, जिसकी वीडियो भी वहां मौजूद किसी पत्रकार साथी ने बना ली थी, जिसकी सूचना पत्रकार देवकृष्ण द्विवेदी द्वारा अपने संपादक को दी गई, जहां मामले को संज्ञान में लेते हुए संस्था के संपादक द्वारा थाना प्रभारी टीकाराम वर्मा से वार्ता की गई, जिसके बाद टीकाराम वर्मा द्वारा पुराने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करने की बात तो कही गई, लेकिन संपादक का फोन कटते ही टीकाराम वर्मा द्वारा पत्रकार को यह धमकी दी जाने लगी कि आपके लड़के के नाम पर कल ही मैं SC ST एक्ट का मुकदमा लगवा दूंगा। इसके बाद ही तत्काल पत्रकार पर हुए उत्पीड़न और बंधक बनाकर मारपीट तथा लूटपाट जानलेवा हमला के देखते हुए 394, 392, 504 धारा के तहत तत्काल विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने की कार्यवाही की गई, लेकिन अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि दबंग लोग घर से फरार हो गए हैं, लेकिन कर्चना थाना प्रभारी टीकाराम वर्मा ने आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अब देखना यह है कि क्या सचमुच कर्चना थाना प्रभारी टीकाराम वर्मा पत्रकारों की सुनवाई करते हैं कि नहीं। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पत्रकारों को लेकर बहुत ही बड़ी सुरक्षा व्यवस्था का कानून भी बना दिया गया है। अब देखना यह है कि कर्चना थाना प्रभारी टीकाराम वर्मा क्या अपनी भूमिका निभाते हैं और अपराधियों को कितनी जल्दी गिरफ्तार करते हुए जेल भेजते हैं। हेलो जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, परमार्थ आवाज समाचार पत्र संपादक बात कर रहा हूँ। जी जी भैया, नमस्कार। नमस्कार भैया, अभी हमारे पत्रकार साथी के ऊपर कुछ जानलेवा हमला हुआ है। जी जी जी, हाँ, तो लिखा जा रहा था उसमें। सुनने में आया कि आप तहरीर चेंज करवा रहे हैं, क्यों? नहीं, हम क्यों चेंज करवा रहे हैं? अरे हम वीडियो भेजे आपके पास। ठीक ठीक है, ये जो आप तहरीर लिखवा रहे हैं, जो तहरीर लिखवा रहे हैं आप। नहीं, क्या तहरीर लिखवा रहे हैं? जो आप अपने अपने बातों में तहरीर बदले हैं उसकी। हम क्यों बातों में तहरीर बदले हैं? बदलवाए हैं। सुनिए, हाँ बताइए। अभी मैं जब मौके पे गया, हाँ, तो पूरी जांच करके आया हूँ, तब मैं उनको बताया मर की ये घटना है। हाँ, बोले हाँ ये बात सही है।
तुमने जो घटना है वो लिखवा दीजिए। तो जब अगले अगला व्यक्ति क्या घटना के पहले ही दे दिया था क्या आपके पास तहरीर? अगला व्यक्ति अपना रिपोर्टर घटना के पहले ही दे दिया था क्या पत्र? नहीं, घटना के पहले नहीं दिया था, फिर घटना के बाद दिया था। अभी मैं जब जांच करने गया भाई, वहाँ लूटपाट की तो बात आई नहीं। तो आप जांच क्या किए अलग बात है, लेकिन उस तहरीर तहरीर के आधार पे आप मुकदमा दर्ज करिए ना। नहीं तो मतलब जो जो घटना नहीं हुई वो उसमें दर्ज कर दें। जो तहरीर मिली है मैं कह रहा हूँ, आप हमारा आप बात सुन रहे हैं तो बस उसी आधार पे दर्ज करिए। चलिए ठीक है, हम लिखे देते हैं। हाँ, उसी आधार पे। ठीक ठीक। इन्होंने मुझे बताया, मुझे बताया अपने घर वापस चलने लगा, तो उक्त तीनों व्यक्तियों ने कहा, तीनों व्यक्तियों ने कहा करछना थाने इस समय मौजूद हैं, आए हुए हैं। हम ऐसा है कि आज सुबह में हमको सेमरी प्रधान ने बुलाया, तो हम वहाँ खबर का कवरेज करने जा रहे थे। वहीं रास्ते में कुछ दबंग जैसे कि उमेश पांडे थे, उनके लड़के ओम पांडे थे, हम 70,000 रुपये लिए थे और 2 तोला की जंजीर भी पहनते थे, ये सब मार करके हाकी से हमको हमारा सब छीन लिए और 70,000 रुपये नकदी लिए थे जेब में। आपका कोई विवाद था उनसे? कभी कोई विवाद न था न कुछ था, हम ईंटा लेने के लिए जा रहे थे अपने घर के कारण, जो कि हमारे पास घर भी नहीं है कायदे का। लक्ष्मी प्रधान, क्या आपने इसकी सूचना कहीं दी? हम इसकी सूचना करछना थाने में लिखित दिए हैं, एप्लीकेशन। प्रशासन द्वारा आपको आश्वासन क्या मिला? अब प्रशासन तो बोले कि अभी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप पेशे के पत्रकार भी हम हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है देवकृष्ण द्विवेदी। जिसको दबंग बता रहे हैं उसको कैसे मालूम चला किनके पास 70,000 रुपये है? क्या कोई पुरानी विवाद आपसे, रंजिश कोई चल रही थी? मारने के बाद बेहोश हो गए। ऐसा है कि मारने के बाद हम लेकर के अपना पैसा जा रहे थे, और जब मारे तो हमारा कुछ देर के लिए हमारा संतुलन खो चुका था, बेहोश हो गए। उसी समय में ये सारी तलाशी करके हमारा आई कार्ड भी निकाल लिए, माइक भी देखो ये तोड़ दिए हैं हमारा, और बोले कि जितना तुम पत्रकार हो हम जानते हैं, भाजपा से जुड़े हैं, और हम भाजपा के मंत्री बताते हैं अपने आप को, भाजपा के मंत्री हैं हम। आप उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्य योगी नासिक क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि अगर पत्रकारों के साथ इतना बड़ा अगर शोषण होता रहेगा तो आम पब्लिक कैसे चलेंगे। प्रयागराज से कैमरामैन विनय शर्मा के साथ मंडल प्रभारी धनंजय प्रजापति व ब्यूरो प्रमुख अखिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट।